राजकोट है गुजरात में, इधर से मेरा खेती का पूरा माल इधर आया है अपना केडीसी पूना मार्केट यार्ड में। तो उस एक साल पहले मैंने पूरा मार्केट देखा था, लास्ट ईयर भी पूरा ट्राई किया था। इस साल 10 टन माल लेके आए, पूरा एकदम माल पानी वाला था। और इधर अपना केडीसी में पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर से अपना माल बिका है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सॉर्टिंग वेट का अच्छे से हुआ, उसका कैलकुलेशन पूरा सब ठीक था। और अपना फिर जब नीलामी हुआ तब सब लोग साथ में एक साथ रह रहे थे, पूरा बोली अच्छे से लग रहा था, मार्केट पूरा ऊपर भी जा रहा था नीचे भी जा रहा था। जैसे भी मैंने 10 दिन पहले देखा था, 2 दिन पहले देखा, मार्केट में पूरा फ्लक्चुएशन हो रहा है कि कभी ऊपर जा रहा है कभी ऐसा, कभी कभी स्टेबल ले रहा है, कभी कभी थोड़ा हाई जा रहा है, कभी कभी थोड़ा कम जा रहा है। जडेजा जो है राजकोट से आए हैं गुजरात से, और इनके 15,000 पेड़ है। अभी हमारा मंडी गुजरात में भी लगा है, राजस्थान में भी लगा है, लेकिन जो बड़े बड़े किसान है वो जगह पे भी देना पसंद करते हैं, या उधर से वो बहुत सी मंडियां जो इंडिया में दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर कहाँ भी माल भेजने की कोशिश से, किसान इतने बड़े बड़े किसान है कि वो जगह से देने से दूर दूर की मंडियां भी करते। जडेजा यहाँ पुणे में पढ़ाई कर रहा है, पिछले 2 साल से उन्होंने केडी चौधरी का यहाँ का सिस्टम देखा, और उन्होंने पहले बेंगलोर में भी माल भेजा था और भी मंडियों में माल भेजा था। तो आपको और मंडियों में कैसा लगा, कि वहाँ की कुछ सिस्टम अच्छी लगी या कुछ गलत लगी? वहाँ की भी सिस्टम थी, बट यहाँ जो पुणे मार्केट का जो केडीसी का सिस्टम था वो ज्यादा सिस्टमेटिक था, मतलब एक स्टेप हुआ फिर दूसरा स्टेप हुआ तीसरा स्टेप हुआ, ऐसा एक फ्लो में जाता है सब। तो रेट तो नीचे ऊपर होता है, आप अपने 10 दिन का मंडी देखा, इससे पहले मंडियों में जो रेट निकलते थे ज्यादा निकलते थे, और सब तरफ अभी मंडियों में रेट घट गए। अभी मैंने कल भी मेरे सद्य स्थिति के बारे में जो मैं किसान को जानकारी देता हूँ, तो उसमें भी मैंने किसान को बताया कि राजस्थान में अभी पोजीशन क्या है, गुजरात में क्या पोजीशन है, और महाराष्ट्र में क्या पोजीशन चल रहा है। राजस्थान में लास्ट स्टेज में आया जो हल्के माल है उससे मंडियां सब तरफ की खराब हो गई, क्योंकि लास्ट के माल है, छोटे छोटे माल है, काले पड़ गए। और गुजरात के माल है, लेकिन गुजरात के माल को भी जितना डिमांड होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, और महाराष्ट्र का माल का डिमांड ज्यादा होता है। और इसीलिए आपके महाराष्ट्र जैसा माल था, आपका पानी वाला माल था करके महाराष्ट्र के हिसाब से आपकी बिक्री हुई, थोड़ा बहुत 2-5 रुपए नीचे ऊपर भले ही हुआ, लेकिन महाराष्ट्र की माल की जो मजबूती है, यानी कि 6-6 दिन का जो रास्ता भी कट कर दिया उन्होंने, दिल्ली तक गया कलकत्ता तक गया, वो माल को कुछ होता नहीं, और आपका पानी वाला थोड़ा सा सूख जाता है जल्दी, और अंदर से भी थोड़ा सा इफेक्ट कर देता है। लेकिन आज जडेजा यहाँ आए, उनका पहला तो कोई बिजनेस नहीं, खेती ही बिजनेस है, अभी इनका विजन क्या है मैंने पूछने की कोशिश की, तो आपका विजन क्या, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप इसकी खेती, आपकी खेती कितनी है? मेरा अभी 15,000 पेड़ का खेती है गांव में। उधर मेरा ऐसा विजन ये है कि मेरा जो खेती है पहले सब लोग नजदीक की मंडियों में बेचते थे, मेरे को और आगे बेचने का, अभी सिर्फ महाराष्ट्र और इधर चालू किया है बिकना, अभी और आगे बढ़ना है, फिर ग्लोबली भी एक्सपोर्ट करना है। जो ये विजन है, मैं सब किसान भाई को बोलता है कि आपने बच्चे पढ़े तो नजदीक की मंडियां मत देखो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैंने जो किसान रेल के बारे में भी जब इधर बात की थी, जो लोग आए थे, जो आरएसएस के यहाँ के 100 लोगों की या जो उद्योगपतियों की टीम या मीटिंग को बुलाई थी, उसमें मेरे को बुलाया था कि मैं यही बोला था कि हमारे बच्चे पढ़े हैं तो उनका माल ऑल इंडिया में जाना चाहिए या एक्सपोर्ट होना चाहिए। हम तो समझो आड़तदार है, लेकिन हम कितना बेचेंगे, थोड़ा बेचेंगे तो भी हम बहुत बेचेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में इतना माल पैदावार होता है कि वो हर सिटी में जाना चाहिए, हर राज्य में जाना चाहिए। जो जडेजा का जो विजन है, तो वैसा ही मेरा विजन है कि हमारे बच्चे देश के कोने कोने तक माल पहुंचा देंगे, और उसमें किसानों को ज्यादा फायदा हो, क्योंकि व्यापारी अगर पैसा कमाता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं, किसान का बच्चा पैसा कमाएगा, लेकिन हमारा धाड़स नहीं होता, हम बाहर नहीं माल बेचते, यही हमारा हर टाइम होता है, और इसीलिए हम फस जाते। तर या शेतकऱ्याने जे आज आपल्याकडे या पद्धतीने माल या ठिकाणी पाठवायचा प्रयत्न केला,
की शेती हाच धंदा करणार, शेती सोडून मी तुला धंदा करणार नाहीये, आणि माझा माल जवळच्या मार्केटमध्ये माल पाठवण्यापेक्षा मी आज महाराष्ट्रात पाठवलाय, मला महाराष्ट्राच्या बाहेर पाठवायचं आहे, हे विजन त्यांनी ठेवलेलं आहे. आज माझ्या बरोबर शिवयोगी बिराजदार आहे की जे 32 वर्ष या ठिकाणी डाळिंबाची शेती करतायत, आणि त्यांनी सुद्धा 1000 किलोमीटरचा प्रवास केलेला आहे, आणि 1000 किलोमीटरचा प्रवास करून अनेक मार्केट पाहिलेली आहे, आणि त्या मार्केटमधून त्यांना जे विजन मिळालं आणि पुण्याबद्दलची चांगली माहिती मिळाली. मी त्यांना विचारले की आपण जी मार्केट इतर केली आणि ह्या मार्केटमध्ये तुम्हाला काय वाटलं, की ज्या जडेजांनी अनुभव केला तुमचा पूर्वीचा अनुभव काय होता, जो शेतकऱ्यांना कळाला पाहिजे महाराष्ट्रातल्या. मराठी बोलायला, हा तो मराठीत हळूहळू बोला की तुम्ही पुण्यातलं मार्केट कसं वाटलं, चांगलं आहे, आणि इतर मार्केटच्या ठिकाणी तुम्हाला काय काय वाटत होतं. इतर मार्केटला फसवीच्या शेतकऱ्याला थोडं व्यवहार चांगला आहे एकदम, म्हणजे इतर मार्केटला गेल्यावर शेतकऱ्यांना फसवतात, आणि इथं आपल्याला संपूर्ण वजन असेल, बाजार भाव असेल, मालाची चोरी होत नाहीये, मालाची काळजी घेतली जाते, हे तुम्हाला आढळलं. बाकी मार्केटला आपल्याला रात्रभर जागावं राहावं लागतं की आपल्या मालाची काही चोरी होईल का, मालाचा भाव व्यवस्थित मिळेल का, की एक भाव गेलाय दुसऱ्याच भावात पट्टी मिळेल का, हे तुम्हाला पूर्वीचे अनुभव आले. तर आज हे दोन शेतकरी आहेत की जे 32 वर्षाचा अनुभव असणारे शेतकरी आहेत, की ज्यांनी ऑल इंडियातली मार्केट पाहिली, आणि हे जडेजा आहेत की त्यांनी 7-8 वर्षांमध्ये कर्नाटक आणि महाराष्ट्र पाहिला, आणि महाराष्ट्रातलं केडी चौधरी मार्केट त्यांना चांगलं वाटलं. तर असे अनेक शेतकरी की जे शेतकरी की आपल्याला 2 पैसे शेतीतनं वाढले पाहिजे, आणि आज जवळजवळ 10 टन ते घेऊन आले. आज अजून माल गुजरातमध्ये ज्यादा आहे, परंतु ज्यादा माल असताना पुण्यामध्ये त्यांना चांगला पैसा बनत असताना इथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांची सुद्धा आपण ज्यावेळेस परिस्थिती पाहतो की जागेवर लोडिंग होत नाही व्यापाऱ्यांचं, म्हणून त्यांना जागेवर देता येत नाही, आणि मार्केटला जवळच्या मार्केटला सुद्धा खराब परिस्थिती. तर आता तुम्ही महाराष्ट्रातून आलाय, तुम्ही थोडाच माल आणलेला आहे, तुमची काय जागेवरती किंवा इतर मार्केटच्या परिस्थितीत तुम्हाला काय वाटतं? माझा माल म्हणजे पहिल्यांदाच निघलेला आहे. बर, डायरेक्ट मी तुमच्याकडे झालो. बर, पण जर तुम्हाला जागेवर द्यायचं असतं तर घराक होतं का? नाही नाही, मी बघितलंच नाही काय तसं. पण जर द्यायचं झालं तर घराक येऊ शकतं का? येऊ शकते. पण त्याची लोडिंग नाही झाल्यानंतर तुम्हाला रेट मिळणार का? नाही. जागेवर देऊ शकतो आपण, पण जर लोडिंग नाही झालं तर तो